हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर, लास्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर बच्चों, इसके दो काम होते हैं। एक तो यार ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, जिसको आप कह लो ईएमएफ, है ना। किसी भी सेल का ईएमएफ नाप सकता है। तो सर ये तो वोल्ट मीटर भी नाप सकता है? नहीं, वोल्ट मीटर में हमने देखा था कि ये पूरा जो वैल्यू बताता है ये एप्सिलॉन नहीं बताता है, ये क्या बताता है? एप्सिलॉन से थोड़ी सी कम बताता है, याद आया ना। तो ये वोल्ट मीटर की एक खामी थी। ये खामी कौन दूर करेगा? पोटेंशियोमीटर, ठीक है, कैसे अभी देखेंगे। दूसरा, ये किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता सकता है। तो इसके दो काम हो गए। एक आपको जैसे मीटर ब्रिज में वायर पकड़ाया था कि ये वो वायर, इसका बताओ रेजिस्टेंस कितना, तो मीटर ब्रिज में लगा दिया था, है ना। इस तरह से आपको एक सेल पकड़ा दी गई जिसका हमें ईएमएफ नहीं पता, तो क्या करेंगे, लगा देंगे पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। देखो इसका सर्किट पहले समझते हैं, सिंपल सर्किट बनाएंगे हम, किस तरह का होता है। एक होती है इसमें ड्राइवर सेल और एक लगा रहता है रिहोस्टेट, ठीक है, वो बैलेंस पॉइंट को, और एक लंबा सा तार होता है इस तरह का, ये पूरा ऐसा, ये पूरा ऐसे सिंपल तार है, इसका रेजिस्टेंस ये कहीं मोड़ के भी ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। ये हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, ये ड्राइवर सेल कहलाती है जो बी। जो करंट जाएगा ना ये यहां से जाएगा, इसका आपको ईएमएफ नहीं नापना, ये पहले से लगी हुई है या इसको लगाना है, तो मतलब ईएमएफ इसका नहीं नापना है, ठीक है। ये ड्राइवर सेल कहलाती है। करंट जो होगा, जो भी फ्लो होगा इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में, ये करंट ड्रॉ करेगा ड्राइवर सेल से, यानी कि जिस सेल का आपको ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उस सेल से ये पोटेंशियोमीटर सर्किट करंट ड्रॉ नहीं करता। तो इसका यही एडवांटेज है ना। तो V बराबर एप्साइलन माइनस आई इंटू आर जो आया था डिफेक्ट, वो यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि आई ड्राइवर सेल से आएगा, ना कि उस सेल से जिसका आपको ईएमएफ नापना है। अब देखो वो सेल इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं जिसका आपको ईएमएफ नापना है। तो ये वो सेल है जिसका हमें ईएमएफ नापना है, इसको कनेक्ट करा यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर, है ना। इसके साथ सीरीज में रजिस्टर भी जोड़ सकते हो ताकि गैल्वेनोमीटर में एक्सेस करंट ना चले जाए, है ना। चलो तो ये मान लो ऐसे ऐसे किसके जॉकी से टच कराया, वही सीन बिल्कुल। तो ये L2 या L1 लेंथ पे यहाँ से मिला, दिस लेंथ इज L1, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो इसका प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कैसे? देखो V की वैल्यू होती है I इंटू R, प्रोपोर्शनल टू L, है ना। और I रखेंगे कांस्टेंट, क्योंकि I कहां से आ रहा है? ड्राइवर सेल से। तो I कांस्टेंट हो गया, यानी कि R प्रोपोर्शनल L, तो हमने पढ़ा ही है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और I हो गया कांस्टेंट, तो I इंटू R यानी कि वोल्टेज, ये भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? लेंथ के। यानी कि जो वायर है ये यूनिफॉर्म वायर है, कहीं से मोटा पतला नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर है, कुछ फ्यू मीटर्स लेंथ का, ठीक है। तो इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, है ना। लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, आर बढ़ता है, और आर बढ़ेगा तो आई इंटू आर यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं इसको समझने की। ये वो सेल है जिसका आपको ईएमएफ नहीं पता, E1। इसको आपने कनेक्ट किया इस तरह से, जॉकी घुमाया और L1 लेंथ पर ये कहीं इसका नल पॉइंट मिल गया। एक बात ध्यान रखेंगे, जो ड्राइवर सेल होगी उसका ईएमएफ हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करंट यहां से जाना शुरू हो जाएगा, ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा सेल से जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है। ये अननोन सेल है। तो अब इसमें एक चीज मानेंगे, फाई। देखो फाई क्या कहलाता है? पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि वी पर यूनिट लेंथ। जैसे हमने आरसीएम माना था या रो माना था ना, रो क्या माना था मीटर ब्रिज में? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ऐसे यहां पर हमने क्या मान लिया? क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है तो बराबर बराबर रेजिस्टेंस होगा पर सेंटीमीटर का, और करंट देखो कांस्टेंट है ही, तो I इंटू R भी क्या हो रहा होगा? हर सेंटीमीटर पर बराबर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। तो लेट द लेंथ ऑफ वायर बी L, है ना, वायर की जो लेंथ है वो L हो गई, तो एक सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? तो वी अपॉन L, फाई इज इक्वल टू वी अपॉन L, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी बहुत काम की चीज, इसको भी ध्यान रखेंगे। दिस इज कॉल्ड बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, जैसे रो माना था एक सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, वैसे ही समझ लो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट सेंटीमीटर या पर यूनिट डिस्टेंस लेंथ। ओके, तो यहां पर मिला हमें नल पॉइंट। तो देखो जरा,
अब गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट मिला, तो नल पॉइंट का मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब यहां से करंट आया आई, यहां क्यों नहीं गया? दो रास्ते मिले ना इसको, एक यहां एक यहां, यहां क्यों नहीं गया, सीधा सीधा यहां क्यों चला गया? तो आंसर इज क्वाइट सिंपल यार, यहां इसलिए चला गया क्योंकि पोटेंशियल, इसको एक्स मान लो ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बी एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन है ना, यहां पर ईवन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। और हमें पता है कि जब करंट करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां उतना यहां, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एक्स एंड ईवन, तो करंट क्यों जाएगा ना, करंट सेम पोटेंशियल में थोड़ी आता है। अरे पानी फ्लो कर रहा है तो सेम हाइट पे थोड़ी होगा, एक हाइट ज्यादा एक हाइट कम होनी चाहिए है ना। यहां पर क्या कह, क्या क्यों हुआ ऐसा कि यहां से करंट आई गया और सीधा चला गया आई का आई पूरा, यहां क्यों नहीं गया? तो आंसर इज सिंपल, क्योंकि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो करंट का फ्लो नहीं होता। सिंपल सी बात है, वो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी देखा था, मीटर ब्रिज में भी देखा था। चलिए अब देखो, एक सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है फाइव, तो एल वन सेंटीमीटर का कितना ड्रॉप हुआ, फाइव इंटू एल वन है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बी एक्स वी बी एक्स कितना हुआ, 5 इंटू एल वन, क्लियर है ना, एक सेंटीमीटर का 5, तो एल वन सेंटीमीटर का कितना, 5 इंटू एल वन ड्रॉप, और जो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। यहां देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, कोई करंट भी नहीं है इसमें, तो ये कितना है ईवन, तो हमें यहां से मिला 5 इंटू एल वन, या ऐसे कह लो कि ई वन बराबर 5 एल वन, इक्वेशन नंबर 1, इज दैट क्लियर? बोलो समझ में आ गई बात, बोलो जल्दी से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने मीटर ब्रिज में किया था कि एक साइड तो अननोन रेजिस्टेंस और एक साइड नोन रेजिस्टेंस, अब क्या करेंगे, इस सेल को हटा देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे एक दूसरी सेल से जिसका हमें ईएमएफ पहले से पता है ना, उस सेल का हमें ईएमएफ पता है, फिर से नल पॉइंट ढूंढेंगे, तो ये मान लो अब अलग मिलेगा ना, बिल्कुल ईएमएफ बराबर थोड़ी होगा दोनों सेल का, तो ये मान लो कहीं और मिला, यहां मिल गया, ठीक, दिस इज वाई, दिस इज लेंथ एल टू, क्लियर है ना, उस सेल को हटाया, दूसरी सेल लगा दी E2, जिसका E2 एप्सिलॉन E2 EMF वाली, जिसका EMF हमें पता है, और ये हमें L2 लेंथ पे मिला, तो फिर से देखो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड Y शुड बी इक्वल टू E2 है ना, तभी तो करंट फ्लो नहीं हुआ। अच्छा, और ये किसके बराबर हो गया, चलो पहले से लिख दे, ये किसके बराबर हो गया, एक सेंटीमीटर पे कितना ड्रॉप हुआ, 5, L2 पे कितना हुआ, 5 L2, और जो किसके बराबर होगा, E2 के, तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो E2 बराबर 5L2। अब कंपेयर करो, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, L1 अपॉन L2, तो E1 कितना आ गया, E1 तो था अननोन, E2 इंटू L1 अपॉन L2, तो देखो हमने इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या EMF कह लो किसी भी अननोन सेल का, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, L2 पता है हमें, उसका EMF पता है, L1 पता है, L2 पता है, तो इसमें कहीं करंट की वैल्यू नहीं आई, आई इसमें कहीं नहीं आया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड से, इसका एनिमेशन भी देखेंगे कि किस तरह से काम करता है, ओके बिठा दे, तो इसका एनिमेशन देखो, तब तक देखो बच्चों, ये एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट दिखाया गया है, मैंने एक वायर दिखाया था सर्किट में, लेकिन इस तरह से कई वायर होते हैं ना लेंथ बढ़ाने के लिए, पता है लेंथ बढ़ाने से हमें पता है कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब ये कम से कम छोटे से छोटा वोल्टेज भी नाप सकता है, छोटे से छोटा ईएमएफ भी नाप सकता है। अब देखो इस तरह से जॉकी को हर एक वायर पर स्लाइड करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा होगा कि इसमें नल पॉइंट कहाँ पर मिला, ये ड्राइवर सेल है ऊपर, ये ड्राइवर सेल से करंट आ रहा है, ठीक है, तो जहाँ भी नल पॉइंट हमें मिलता है एक सेल के लिए, सपोज करो अननोन ईएमएफ वाली सेल हम लगा रहे हैं है ना, तो इसके लिए हमें जो है टोटल लेंथ ऐड कर देनी है, मान लो कि एक वायर 100 सेंटीमीटर का है, तो ऐसे 4-5 वायर लगे हुए हैं, और इनके एंड्स भी देखो है ना, तो ये एंड्स भी जो है कॉपर की स्ट्रिप से कनेक्ट होते हैं, जिससे इनका रेजिस्टेंस ना ऐड हो जाए है ना, एंड का रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना। अब जैसे यहाँ पर देखो नाप हमने, यहाँ स्केल के हेल्प से ये नीचे स्केल लगा हुआ, तो ये 56 सेंटीमीटर आया है ना, और ये चौथा वायर है ऊपर से, फोर्थ वायर है, तो 400 तो वो जुड़ गई, 100 प्लस 100 प्लस 100 है ना, और 56 ये जुड़ गई, तो 400 प्लस 56 कितना हो गया, 456 ये टोटल लेंथ हो गई है ना। इस तरह से वाली सेल हटा देंगे, दूसरी सेल लगा देंगे और उसकी भी लेंथ मेज़र कर देंगे, तो वी कैन मेज़र ईवन अपॉन E2। अब देखो इसका दूसरा यूज़ है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।
इसकी हेल्प से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। सर्किट सेम रहेगा लगभग लगभग, थोड़ा सा अंतर यहाँ रियोस्टेट, ये हो गया आरएच मान लो उसका रेजिस्टेंस, ये डी ड्राइवर सेल, ठीक है, ये वायर हो गया इस तरह से, ओके। सो दिस इज ए से एंड दिस इज बी, फिर से एक सेल कनेक्ट करनी है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, वो वाली सेल कनेक्ट कर दो ऐसे, है ना, यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। फिर से नल पॉइंट ढूंढो, ये मान लो एक्स है और ये हमें मिला एल वन लेंथ पे, ठीक है, सेम प्रोसेस। इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो देखो फिर से क्या हुआ, नल पॉइंट का मतलब क्या है कि यहां से करंट आई चला और यहां डिवाइड नहीं हुआ, सीधा I निकल गया। तो इस सर्किट में देखो कोई भी करंट नहीं है, यानी कि इस R का कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई फर्क तो तब पड़ता ना EMF पे जब epsilon minus IR कब होता, जब यहां I फ्लो होता, है ना, और ये सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा, करंट यहां से गया और सीधा निकल गया। क्यों निकला वो हमें पता है, क्योंकि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के बराबर होगा, और यहां कितना होगा इसको हटा भी तो कोई फर्क पड़ा भाई, जब इसमें करंट ही नहीं जा रहा तो व्हाट डज दिस मीन, है ना, ये कनेक्शन तो कुछ मतलब ही नहीं इसका। तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, ये करंट यहां से गया, यहां गया, सीधा निकल गया, इज दैट क्लियर। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई ई माइनस आई आर नहीं है, है ना, क्यों होगा, क्योंकि आई है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, फिर से भाई पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो बताओ वी ए एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, फाइव इंटू एल वन, है ना, वी ए एक्स फाइव इंटू एल वन, और वी ए एक्स किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर, तो ये हो गया ई बराबर फाइव एल वन, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस सेल के पैरेलल में, इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब देखो यहां से करंट चला आई, वो तो सीधा निकल गया, क्यों निकल गया, क्योंकि वी ए एक्स यहां के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। अब देखो क्या पोटेंशियल डिफरेंस यहां चेंज हुआ, क्या अभी भी ई है या इस आर के कनेक्ट करने से चेंज हो गया, तो आंसर बहुत ही सिंपल है कि चेंज हो गया। क्यों हो गया, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से ये गैल्वेनोमीटर यहां कनेक्ट कर दो, ध्यान से देखना, क्यों, यहां से एक करंट चला होगा अब आई, है ना, चलो आई यहां से मारा तो आई डैश, ये आई डैश करंट अभी यहां से तो बन गया होगा ना। देखो ये सेल ने एक सर्किट पूरा कर लिया नीचे नीचे, इससे मतलब नहीं है, ये वाला करंट नहीं आया यहां, ये तो आई गया, आया आया सीधा निकल गया, लेकिन जब हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो देखो ध्यान से एक नया करंट इस सेल से निकलने लगा आई डैश, ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, ऊपर से नीचे आ रहा, लेकिन यहां तो जा रहा है आई डैश यहां इस तरह से पूरे सर्किट में। बोलो बात समझ आई कि नहीं, ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये करंट एक पूरा सर्किट बन गया, देखो क्लोज लूप बन गया, तो यहां से एक नया करंट आई डैश निकलने लगा, क्लियर है। और इस आई डैश की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, यानी कि ई अपॉन आर प्लस आर, ये तो जानते हो, पढ़ चुके हैं पहले सेल वाले चैप्टर में, है ना, ई अपॉन आर प्लस आर, किरचॉफ रूल लगा दो, निकाल लो उसे, ये हो गया आई डैश। चलो अब देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ई है तो आंसर इज नो, है ना, पता है, तो वी हो गया होगा नया, क्योंकि एप्सिलॉन कब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन द सर्किट इज ओपन, है ना, सर्किट ओपन है अगर, तो यहां तो सर्किट क्लोज हो गया ना अलग से, एक सेपरेट सर्किट बन गया, तो बताओ यहां कितना रहेगा वी, तो आंसर है वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, आई कितना है सर्किट में, आई डैश, याद है ना सब, वो वी और एप्सिलॉन में रिलेशन, वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, आई ऊपर वाला नहीं आ रहा यहां, आई डैश अलग से करंट फ्लो हो रहा है, इज दैट क्लियर। तो यहां अब जो है वो ई के बराबर एप्सिलॉन ई एम एफ नहीं बचा, पहले E था ना ये, मैं पहले कोई करंट ही नहीं था, लेकिन अब एक करंट फ्लो होने लगा, तो एप्सिलॉन, अरे एप्सिलॉन मतलब यार ईएमएफ, ईएमएफ यहां पर हो गया है चेंज, ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया ईएमएफ मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो चेंज हो गया, वोल्टेज चेंज हो गया, तो वो कितना हो गया E माइनस आई डैश आर, क्लियर है ना। तो यार जब चेंज हुआ तो लेंथ भी चेंज हो जाएगी, है ना, पहले तो वो E के बराबर था तब यहां तक लेंथ आ रहा था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, तो चेंज हो गया तो हमें लेंथ भी अलग मिलेगी, सपोज करो लेंथ अब हमें यहां मिली, है ना, तो ये हो गया अब x डैश और ये हो गया लेंथ सपोज करो l2, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। पहले कोई करंट नहीं था, सिर्फ एप्सिलॉन या ईएमएफ था, तो उस वजह से हमें यहां पर लेंथ मिली, कोई नल पॉइंट मिला। अब हमने जैसे इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो वह एक नया करंट जो है फ्लो होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बदल गई और वो वी हो गई, विच इज ई माइनस आई डैश आर, ये तो सब पता है हमें। चलो
तो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट केस में है, व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज इन सेकंड केस। तो बताओ अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वी ए एक्स डैश इज इक्वल टू फाइव एल टू, वो तो क्लियर है ना, वो तो पर यूनिट लेंथ का फाइव है, तो एल टू लेंथ का फाइव एल टू, जो किसके बराबर होगा, वी के बराबर। एंड वॉट इज वी, ई माइनस आई डैश आर इज इक्वल टू फाइव एल टू, इक्वेशन नंबर टू। डिवाइड करो फिर से, कंपेयर करो, इसको नोट कर लेना, मिटा रहे हैं, मिटा दे। बहुत गर्मी है रे बाबा, बहुत गर्मी है। डिवाइड करो, ई अपॉन ई माइनस आई डैश आर इक्वल्स टू फाई एल वन अपॉन फाई एल टू, फाई से फाई कैंसिल, ई ऐसा का ऐसा माइनस आई डैश, आई डैश की वैल्यू रख दो, ई अपॉन आर प्लस आर और इन टू में स्मॉल आर, ठीक है, इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व और आंसर निकाल लेंगे, इसको मिटा दूं, मिटा दें, चलो 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 जी। तो ये हो गया ई अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आया ई इंटू कैपिटल आर प्लस ई इंटू स्मॉल आर, ठीक है ना, माइनस ई इंटू स्मॉल आर, अपॉन वाला ऊपर कूद जाएगा, यानी कि आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू में चल रहा है एल वन अपॉन एल टू, ई आर से ई आर कटा, ई से ई कटा, आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर बराबर एल वन अपॉन एल टू, वन वन को इधर ले जाओ, स्मॉल आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन इंटू आर। तो ये इस तरह से आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ये कैपिटल आर आपको पता है, ये आपने ही लगाया पैरेलल में, एल वन एल टू पता ही है, ठीक है। तो ये एक सर्किट है विच कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन करते हैं प्यारे प्यारे, इस पे देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया एकदम कॉन्सेप्चुअल सवाल लिख दिया, इससे सारा पोटेंशियोमीटर का डाउट इसी सवाल से क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक सर्किट बना हुआ है पोटेंशियोमीटर का और पूछा क्या है, देखो, इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन द नल पॉइंट इज फाउंड एट एक्स, फिर पूछा है स्टेट विद रीजन वेयर द बैलेंस पॉइंट विल बी शिफ्टेड, ये बैलेंस पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, पहला पार्ट रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स अनचेंज्ड, बाकी चीजों को चेंज नहीं किया। चलिए तो कैसे करेंगे आपको, देखो ध्यान से, आर को बढ़ा दिया, बाकी सब कांस्टेंट है। अब आर को बढ़ाने से क्या होगा, देखो होता क्या था, पहले एक बार रिवाइज करते हैं, यहां से करंट आई निकलता था, यहां नहीं जाता था, यहां सीधा आई चला जाता था, ये तो होता था कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता था, है ना। अब क्या हुआ, आपने R की वैल्यू बढ़ा दी, तो ये देखो एक सेपरेट सर्किट है, ये एक सेपरेट सर्किट है, तो सर्किट ही क्या है, तो ओपन सर्किट है ना, इसको हटा भी तो क्या फर्क पड़ा, जब यहां करंट नहीं जा रहा है ना, समझ में आई ना बात, तो यहां से करंट निकलता था I, ठीक। अब ये दोनों यहां पर करंट नहीं जा रहा है ना, नीचे करंट नहीं जा रहा, उसका रीजन पता है, अभी हमने देखा कि वी ए एक्स, जो ए और एक्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ये मान लो ई है, वो ई के बराबर है, ई माइनस आई एस नहीं होगा ना, क्योंकि कोई आई है ही नहीं, कोई करंट नहीं है यहां पर, वी ए एक्स किसके बराबर है, ई के बराबर है, एस भी रेजिस्टेंस है, ओके बात समझ में आ गई। अच्छा जी, तो वी ए एक्स कितना होगा, आंसर है आई इंटू आर ए एक्स, सिंपल सी बात है। अरे भाई वी ए एक्स कितना होगा, ये ए एक्स पोटेंशियल ड्रॉप यहां कितना होगा, आई करंट आ रहा है इसमें, और यहां का रेजिस्टेंस मान लो आर ए एक्स हो गया, है ना, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस मान लो आर ए एक्स हो गया। चलो ये है इनिशियल कंडीशन, जब हमने ना आर बढ़ाया ना एस बढ़ाया, एज इट इज है। अब देखो इसमें आर तो कहीं आ नहीं रहा, तो ऐसा लग सकता है कि आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखते हैं। अब आर को इंक्रीज किया, इफ वी इंक्रीज्ड आर, आर को इंक्रीज करने से क्या हुआ, सोचो जब आप आर को इंक्रीज करोगे, तो इस सर्किट में देखो पहले आर के लिए एक रिलेशन बनाओ, ये इस तरह से, चलो करते हैं। तो ये हुआ आई करंट यहां गया, पूरे वायर में आई है, तो ये हुआ आई इंटू आर ए बी, है ना, आई इंटू आर ए बी, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, ये पूरा वायर है ना, रेजिस्टेंस तो इसमें और क्या है, आई इंटू आर ए बी, माइनस या प्लस, प्लस सब याद है, प्लस माइनस पोटेंशियल ड्रॉप इधर जा रहा है करंट, प्लस आई इंटू आर माइनस पी बराबर जीरो। अब देखते हैं आर का क्या फर्क पड़ेगा, हम देखना चाह रहे हैं, आई की वैल्यू हुई पी अपॉन आर ए बी प्लस आर, इज दैट क्लियर, ध्यान से देखो, आई यहां से कॉमन, तो आर प्लस आर ए बी इज इक्वल टू पी, आर ए बी कॉन्स्टेंट है ना, ए से बी के बीच का रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स है,
वो तो वायर का रेजिस्टेंस है, पी सेल है वो फिक्स है। अब इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से देखकर बताओ कि अगर हम आर की वैल्यू बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा करंट की वैल्यू पर। ध्यान से बताओ, आर की वैल्यू बढ़ाओ, देखो नीचे आ रहा है अपॉन में आ रहा है, आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो आई कम हो जाएगा, है ना, आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो आई कम हो जाएगा, और अगर आई कम हो गया तो वी ये आई इंटू आर ए एक्स भी कम हो जाएगा। क्लियर है ना? अरे यार पहले रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसके बीच में, आई इंटू आर एक्स। सपोज करो जब हमने आर को नहीं बढ़ाया तो पहले करंट तो एम्पियर था, आर एक्स तो फिक्स है यार, ए और एक्स के बीच का रेजिस्टेंस तो करंट वरंट पर थोड़ी डिपेंड करता है, तो वो हो गया पहले रेजिस्टेंस, चलो आर एक्स मान लो 5 था, तो ये था 10 वोल्ट यहां का, ये बैटरी भी कितने की है 10 वोल्ट की, तो यहां भी 10 वोल्ट यहां भी 10 वोल्ट दोनों बराबर थे, तो इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो बैलेंस पॉइंट हमें एक्स पे मिला था, है ना, ये फर्स्ट केस है। अब क्या किया, आर हमने बढ़ाया, इफ आर इज इंक्रीज्ड, आर को बढ़ाया तो देखो क्या हुआ, आई घट गया, है ना, तो फर्स्ट ग्रो आई रह गया 1 एम्पियर इंटू 5, भाई ये थोड़ी बदलेगा आर ए एक्स, तो अब कितना रह गया देखो 5 वोल्ट, लेकिन बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की। भाई बोलो ए और एक्स के बीच में आई के घटने से या कह लो कि आर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कितना, पोटेंशियल ड्रॉप कितना रह गया ए और एक्स के बीच में 5 वोल्ट, जबकि बैटरी कितने की 10 वोल्ट की, तो अगर बैलेंस पॉइंट चाहिए तो यहां भी कितना होना चाहिए 10 वोल्ट, यहां भी कितना होना चाहिए 10 वोल्ट। अब बताओ क्या करें, यहां से ए से एक्स के बीच में सिर्फ 5 वोल्ट बैठ रहा है जबकि हमने आर को बढ़ाया, तो क्या करना चाहिए, इधर किसका है तो इधर किसका है से रेजिस्टेंस कम होगा तो ये तो और कम हो जाएगा, इधर किसका है यस, इधर किसका है से वो क्या होगा, सपोज करो आई तो 1 है ना, आई तो 1 हो गया, वो तो फिक्स हो गया ना, आई तो 1 हो गया अब आर को बढ़ाने से। अब अगर हम इसको लेंथ को बी की तरफ खिसकाते हैं, है ना, बी की तरफ खिसकाएं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऐसे तक खिसकाना पड़ेगा जब तक इसका रेजिस्टेंस 10 ना हो जाए, तभी तो आंसर 10 आएगा ना, 10 वोल्ट यहां और 10 वोल्ट यहां, फिर से नल पॉइंट मिल जाएगा। तो समझ में आ गया कि अगर आर बढ़ाया जाता है तो बैलेंस पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसी से एक टर्म निकला है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि हम कम से कम वोल्टेज भी कैसे नाप लें, है ना, कम से कम छोटे से ईएमएफ की सेल है तो कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं सर्किट को कि छोटे से छोटा ईएमएफ नाप लें, तो उसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी, कम से कम ईएमएफ नापना। तो पता लग गया इसके लिए क्या करना है, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है, यार कम से कम पोटेंशियल ड्रॉप हो ना भाई, 0.1 की ये सेल है, पता लगा 0.1 का ड्रॉप ही नहीं हो रहा, यहां सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो क्या करना है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये 1 वोल्ट को 0.1 वोल्ट करना है, और वो कैसे कर सकते हैं, जब आई कम करें, क्लियर है ना, आई कम करें, और आई कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कुल मिला के कम करना है, तो फाई क्या हुआ, वी अपॉन एल, और वी क्या होता है, आई आर अपॉन एल, तो या तो आप आर को बढ़ाओ जिससे आई कम हो जाएगा, आर को बढ़ाओ जैसे भी किया, आई को कम कर दो तो थोड़ा और ये ज्यादा सेंस करने लगेगा, ज्यादा कम वैल्यू और सेंस करने लगेगा, या इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दो, लेंथ बढ़ा दो, तो लेंथ बढ़ाने से देखो क्या होगा, फिर से हमें ज्यादा छोटे छोटे नल पॉइंट्स मिल जाएंगे छोटे छोटे वोल्टेज के लिए, ठीक है, छोटे छोटे ईएमएफ के लिए। तो ध्यान रखना है सेंसिटिविटी क्या होती है, कि कम से कम वोल्टेज को सेंस कर सके। इसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो आंसर है आर को बढ़ाओ, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, या फिर एल की वैल्यू इस तार की बढ़ा दो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना बच्चों, ये हम ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे तार लगाते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो ये बात समझ में आई। फिर उसने दूसरा पार्ट पूछा है, दूसरा पार्ट ये पूछा है भाई ने कि आर अब कांस्टेंट है ना, आर वाला समझ में आ गया होगा, आर कांस्टेंट है, एस की वैल्यू बढ़ाई भाई ने, एस की जो रेजिस्टेंस लगा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर क्या हुआ, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, देखो यहां करंट यहां से आई आता है यहां सीधा निकल जाता है, यहां करंट आता ही तो उसको हटा भी दो क्या फर्क पड़ा, है ना। तो यहां इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई माइनस आई एस, तो आई तो है ही नहीं, करंट है ही नहीं यहां, तो एस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। तो एस को बढ़ाने से या घटाने से ईएमएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था कि एस की वैल्यू बढ़ाने या घटाने से क्या होगा। तो आंसर बता दोगे कि कुछ नहीं होगा साहब, क्योंकि वो ओपन सर्किट है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, इस तरह का एक सर्किट बना हुआ है पोटेंशियोमीटर का, इस तरह से सेल्स कनेक्ट हैं। क्या पूछा है, पढ़ के बताया था एक बार, अ लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो तो हमें पता है वी अपॉन एल, अलॉन्ग इट्स लेंथ द नल पॉइंट्स फॉर द टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ्स ई1 एंड ई2 कनेक्टेड इन द मैनर शोन, जिस तरह से कनेक्ट हुए हैं उस तरह से,
है ना, एक बार देखो प्लस से प्लस, प्लस से माइनस, एक बार माइनस से माइनस, वो सब चीज चेक कर लो। ऑब्टेंड एट अ डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर एंड 130 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर। तो एक मिरर में कनेक्ट करो तो 120 पे मिला, दूसरे मिरर में कनेक्ट करो तो 300 पे मिला। तो देखो 120 कौन सा वाला है, खुद पहचान लेना, छोटा वाला। तो छोटी लेंथ यहाँ तक है ना, समझ जाओ बात को, छोटी लेंथ यहाँ तक है। तो ये हो गया 120p और ये हो गया 300। तो 300 किसके लिए है, ऊपर वाले के लिए, है ना, ये ज़्यादा लंबी लेंथ है, और ये छोटे के लिए 120। तो ठीक है, उसके बाद फाइंड E1 अपॉन E2 और पोजिशन ऑफ नल पॉइंट्स फ्रॉम फॉर सेल E1। अच्छा, एक तो E1 अपॉन E2 निकालो, और E1 सेल के लिए, अकेले E1 सेल के लिए, अगर खाली E1 सेल कनेक्ट करें, ये सब हटा दें और सिर्फ E1 सेल कनेक्ट कर दें, तब बताओ कि पोजीशन क्या रहेगी नल पॉइंट की। तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। देखो क्या, इन दोनों सेल को मिला करके एक मान लो, केस नंबर 1 है ना, और ये इन दोनों सेल को मिला करके एक मान लो, तो बताओ क्या होगा टोटल EMF, प्लस माइनस, सीरीज में जुड़े हुए हैं, सही जुड़े हुए हैं, जुड़ जाएगा E1 प्लस E2, याद है ना, E = 5, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इनके पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 है, 5L1। तो व्हाट इज द लेंथ फॉर दिस, आंसर इज 300 अपॉन, ठीक है, याद है सब, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, E2 दूसरे मैनर में देखो, E2 तो कितना हुआ, माइनस हो जाएगा ना, E1 माइनस E2, ठीक है, तो ये हो गया E1 माइनस E2 कितना हुआ 5L2, L2 कितना है 120, 5 से 5 कटा, 0 से 0 कटा, 2 6 2 12, 6 5 30, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2E1 प्लस 2E2 बराबर 5E1 माइनस 5E2, E1 वाले एक तरफ, 2 इधर ले जाओ, चलो क्या जा रहा, 5 माइनस 2 दैट इज 3E1, इधर 5 प्लस 2 7E2, तो बताओ यहाँ से E1 अपॉन E2 कितना हुआ, E1 अपॉन E2 7/3, दिस इज द वैल्यू, सिंपल है ना। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि E1 सेल के लिए क्या पोजीशन होगी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1 ओनली, जबकि E1 अपॉन E2 7/3 आ गया, तो फिक्स है ना, E1 रेशियो E2 लिख देता हूँ 7:3। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों कि E1 के लिए, है ना, अकेला E1 कनेक्ट किया जाए तब उसके लिए लेंथ बताओ कितनी लेंथ होगी, बैलेंसिंग लेंथ। तो अभी हमने देखा कि E1 प्लस E2 कितना आया था 5L1, L1 की वैल्यू कितनी थी इसके लिए देखो 300, ओके। सिमिलरली E1 माइनस E2, अभी हमने देखा कितना आया 5L2, L2 कितना था 120, तो इनको आप सॉल्व करो दोनों को, E2 से E2 कैंसिल, ये आ गया 2E1 इज इक्वल टू 300 425, डिवाइड कर दो, E1 इज इक्वल टू 2105, इक्वेशन नंबर 1, E1 की वैल्यू आ गई है ना। तो इसको हटा करके, सब अरेंजमेंट को हटा करके हमने सिर्फ लगा दिया E1 सेल, दिस इज E1। तो सपोज करो इसके लिए हमें मिला पॉइंट S, ठीक है, एट द लेंथ L3 पे मिला, ठीक है, A से S की डिस्टेंस L3। तो बताओ अकेले E1 को लगाया तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VAS कितना होना चाहिए E के बराबर, और VAS कितना हो जाएगा वो सबको पता है, 1 सेंटीमीटर का 5, L3 का कितना 5L3 इज इक्वल टू E मतलब E1, ठीक है, और E1 की वैल्यू देखो हम वहाँ से निकाल चुके हैं, तो 5L3 इज इक्वल टू 210, 5 से 5 कैंसिल, L3 आ गया 210 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे मैंने देखो अभी बताया था कि अगर हमें सेंसिटिव बनाना है इसको, और छोटा EMF नापना है, E1 का छोटा EMF होगा ना, और छोटा EMF नापना है तो हमको लेंथ बढ़ानी पड़ती है, तो देखो 300 करनी पड़ी थी लेंथ, है ना, E1 माइनस E2, E1 के लिए 200 आई, ऐसे पूछता तो E2 के लिए भी निकाल देते हैं ना, इस तरह से, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे, मस्त। अगला सवाल देखेंगे, एक इस तरह का सर्किट दिया हुआ है और इसने बोला है अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम, ये आर ओम है, ड्रॉज करंट फ्रॉम पोटेंशियोमीटर, यानी कि यहाँ से करंट आ रहा है, नल पॉइंट वाला सीन नहीं है, करंट यहाँ दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियोमीटर हैज़ अ टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट ओम, यानी कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है AC, इस पूरे का रेजिस्टेंस जो है वो आर नॉट है, A से लेकर के C तक का है। चलो अ वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R, तो R के अक्रॉस कितना वोल्टेज है,
व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस आर व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द वायर. जब जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जस्ट मिडल में है, तो मिडल में तो लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो आर नॉट पूरे वायर का है, तो बताओ कितना हो गया, आर नॉट अपॉन टू ये रह गया और आर नॉट अपॉन टू ये रह गया, है ना. यहाँ वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर दो. अब यहाँ से देखो आई करंट चला, है ना, किरचॉफ रूल, आई करंट चला 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 आई गया, इसको दो रास्ते मिले बट गया ना, नल पॉइंट वाला सीन नहीं है ना. यहाँ सपोज करो आई वन और यहाँ बच्चों आई टू, है ना, दो रास्ते मिले, एक आई वन में और एक आई टू में. अच्छा जी, आई वन चला, यहाँ से आई वन जा रहा है, यहाँ से आई टू, अब यहाँ कितना जाएगा बोलो, आई वन यहाँ से, आई टू यहाँ से, तो यहाँ कितना जाएगा, आई वन प्लस आई टू. क्लियर है ना, सिंपल सी बात है. इसको मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ तो थोड़ा और आसान पड़ेगा समझने में. चलो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं. ये हो गया V, आधा इधर कर दिया मैंने, आधा इधर कर दिया, अब थोड़ा आसान से और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये आधा इधर आधा इधर. तो यहाँ से V है, यहाँ से करंट I चला, I चला, दो रास्ते मिले, यहाँ I1 और यहाँ I2. अब देखो I1 यहाँ से आ रहा है, इस नोट पे देखो I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, I1 प्लस I2 विच इज I, है ना, समझ में आ गई अभी बात. चलो किरचॉफ रूल लगाना है और वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R. दिस इज R नॉट अपॉन टू एंड दिस इज अगेन R नॉट अपॉन टू. तो अगर हम I की वैल्यू निकाल लें, मैंने I2 की वैल्यू निकाल लें, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं यहाँ पे, कितना होगा I2 इंटू R. तो ऑल वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I. तो यूजिंग किरचॉफ रूल, इसको मिटा दें इस वाले को, वो ज़्यादा उससे आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ गया ना. थोड़ा समझना होता है, देखो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड ही है, थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ. चलिए तो इन लूप वन क्लॉकवाइज चलते हैं, किरचॉफ रूल का बढ़िया से हमें अनुभव है. तो यहाँ कितना हुआ, I1 into R0 upon 2 प्लस करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप हो रहा है, वो हमने सब पढ़ रखा है, I1 प्लस I2 into R0 upon 2 माइनस से प्लस गेन माइनस V इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आप एक इक्वेशन निकालेंगे, 2 2 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया R नॉट, R नॉट, चलो ठीक है लिख देते हैं इसे, I1 R नॉट प्लस I1 R नॉट प्लस I2 R नॉट इज इक्वल टू 2V, है ना, V इधर गया 2 उधर गया, उसे याद ना तो जानते हो ना. यहाँ से चलो I1 हो गया बच्चों 2 I1 R नॉट प्लस I2 R नॉट इज इक्वल टू 2V, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, लूप 2 में आ जाओ, लूप 2 में लगाओ किरचॉफ रूल. लगाओ भाई, प्लस से माइनस ड्रॉप, तो I2 into R, I2 into R, टिंग टोंग, इधर से आ रहा करंट, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है ना, करंट के उल्टे, तो माइनस I1 into R0 अपॉन 2 ओके इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ से आपने I1 की वैल्यू निकाल दो, ऊपर रख दो, I2 into R0 की वैल्यू हो जाएगी, है ना. व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, तो दैट इज I2 into R0, I2 into R0 पूछा है, ये डायरेक्ट आ जाएगा. तो चलो जी यहाँ से करते हैं, तो I1 into R0 upon 2 बराबर I2 into R, है ना, तो I1 into R0 कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 I2 into R, 2 I2 into R, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, I1 into R0 की जगह, तो ये हो गया 2 into I1 into R0 which is 2 I2 into R, ओके, प्लस I2 into R0 is equal to 2V, है ना, तो 2 2 जा 4, 4 R plus R0, है ना, 4 R plus R0, I2 common, कितना हो गया 2V, तो बताओ I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2V upon 4 R plus R0, ये आ गया I2 की वैल्यू. तो आप निकाल सकते हो what is the potential drop across this, तो कितना हो गया this resistor, V बराबर I2 into R0, ये तो निकाल, R0 है, सॉरी R, है ना, I2 into R. चलिए तो यहां से I2 को वैल्यू रख दो विच इज 2V अपॉन 4R प्लस R0 और इंटू में आ गया R, दैट्स इट. ये हो गया V अक्रॉस R, है ना, V वो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेन लगा, समझ में आ गया, कुछ नहीं यार, किरचॉफ रूल लगाए थे यहां दोनों, और व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R रजिस्टर, ये पूछा था, समझ में आ गया, आया हुआ है सवाल. चलो अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, और ये वो सवाल है जिससे आपके पोटेंशियोमीटर के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे.
कैसे, पढ़ के पता लगेगा वो तो। फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर विद अ सेल ऑफ 2.0 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल दे रखा है 0.40 ओम, मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर वायर ए बी। अ स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट, ये ईएमएफ दे रखा है ये इस सेल का 1.02 वोल्ट, एक स्टैंडर्ड सेल है ना। गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 67.3, तो इसकी लेंथ रखी है एल 67.3 सेंटीमीटर है ना, स्टैंडर्ड सेल से अभी किया था एक्सपेरिमेंट। टू एंश्योर वेरी लो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज पुट इन सीरीज विद इट, ओके, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। चलो आगे, द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ एप्सिलॉन, पहले तो इससे निकला, फिर एक अननोन, इसको वन मान लो है ना, वन ये एल वन, फिर एक अननोन लगा दी जिसका एप्सिलॉन ईएमएफ है एप्सिलॉन, आगे एंड बैलेंस पॉइंट जो है वो हमें मिला 82.3 सेंटीमीटर पर, तो उसको एल टू मान लो 82.3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, इजी है ना, अभी क्या था एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, कैलकुलेट कर सकते हो, एप्सिलॉन पता है, एल वन पता है, सब कुछ पता है, एप्सिलॉन टू कैलकुलेट हो जाएगा है ना। अब देखो, व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव, ये 600 किलो ओम क्यों लगाया गया है, इतना हैवी रेजिस्टेंस, तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर देखो क्या है, यहाँ पर बैलेंस पॉइंट मिला, मतलब जितना वोल्टेज यहाँ पर उतना यहाँ पर। अब मान लो कि ऐसा तो है नहीं, हमने एक बार टच किया और पहली बार में बैलेंस पॉइंट मिल गया, ऐसा थोड़ी होगा, कभी यहाँ टच करके देखा होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो यहाँ देखा तो करंट आएगा यहाँ है ना, क्योंकि अभी यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर नहीं है, तो करंट यहाँ से आएगा। अब जब यहाँ से आएगा तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी जाएगा, और बच्चों गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो बहुत ही कम करंट सेंस कर पाता है, अगर इसमें से ज़्यादा करंट, हाई अमाउंट में करंट चला गया, मिली एम्पियर्स के अमाउंट में भी, तब ये सर्किट इसका फूक जाता है ना, तो इसमें बहुत ही कम करंट जाए, इसीलिए हमने क्या लगाया ये इसके सीरीज में एक हैवी रजिस्टर लगाया है, ठीक है, क्योंकि पहली बार में थोड़ी बैलेंस पॉइंट पे टच हो जाएगा, आप जॉकी घुमा रहे हो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो यहाँ सपोज करो लगाया तो यहाँ से करंट आ गया इसके अंदर भी। अब देखो डायरेक्ट अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर चला जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल फूक जाएगा, तो इसीलिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ, तो आंसर इज वेरी सिंपल, टू एंश्योर दैट द करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज नॉट फाउंड इज वेरी स्मॉल, जब बैलेंस पॉइंट नहीं मिला तब जो इसमें से करंट पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर में से वो बहुत कम होना चाहिए, वरना इसकी कॉइल फूक जाती है, ठीक है। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस, वो तो हम देख चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना बैलेंस पॉइंट पे, क्यों, बैलेंस पॉइंट क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू दिस, और जब यहाँ करंट आई गया और सीधा यहाँ निकल गया, इसमें करंट ही नहीं गया, तो एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर, तो आई है ही नहीं यहाँ पर, वो हम बात कर चुके हैं, तो एस है ना, एस का काम कर रहा है यहाँ सोच लो, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस इसलिए है ताकि इसमें से हाई करंट ना पास हो जाए जब तक बैलेंस पॉइंट नहीं मिला है तब तक। अच्छा, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल, इससे अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है यार, क्यों नहीं होता, देखो इसको आप चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर करंट की वैल्यू चेंज हो गई तो आई इंटू आर चेंज हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है इसको, अभी देखिए रियोस्टेट समझ लो इसको एक तरह का, कि अगर हमने इसको इंक्रीज कर दिया तो अभी हमने बात करी थी आई की वैल्यू चेंज हो गई थी तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो यस इसकी वैल्यू बढ़ाने से आई की वैल्यू कम हो जाएगी तो इधर शिफ्ट, वो हमें सब पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1.0 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट, मतलब अगर इसका ईएमएफ 1 वोल्ट का हो तो क्या ये काम करेगी, तो देखो हमने भी बात करी है कि ड्राइवर सेल का ईएमएफ किसी भी सेल से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका 1 वोल्ट, इसका देखो कितना है 1.02 वोल्ट, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसका ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, और उन्होंने बता दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो देखो सारे हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। वुड द सर्किट वर्क फॉर वेल फॉर डिटर्मिनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ, बहुत छोटे ईएमएफ के लिए काम करेगा, तो आंसर पता है नहीं करेगा ना, क्योंकि बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा, जैसे अभी बात करी थी हमने 0.1, वो बिल्कुल यहाँ क्लोज मिलेगा, तो इसको आप कैसे मॉडिफाई करोगे, तो अभी मैंने बताया सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, तो आंसर इज वेरी सिंपल, इस आर को बढ़ा दो या इस लेंथ को बढ़ा दो, उससे हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, पूरे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर खत्म करते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, इसमें ये भी कॉन्सेप्ट चले ना, इसमें देखो क्या दिया हुआ है,
स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर सेपरेटली, है ना, यूजिंग द सर्किट डायग्राम शोन। ठीक है, पहले क्या करता है, कीपिंग अदर थिंग्स अनचेंज्ड, एक्स जो स्टूडेंट है ही इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ आर, वो आर की वैल्यू बढ़ा देता है। तो ये भी बात कर चुके हैं, आर की वैल्यू बढ़ाने से करंट कम हो जाएगा, करंट कम होने से हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, अभी बात करी थी ना वो, चलो हम ये पहली बात तो कर चुके। तो आर की वैल्यू बढ़ाने से पोटेंशियल ये नल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, तो आंसर है बी की तरफ, आर बढ़ा आई कम हुआ, तो आई इंटू आर बढ़ाने के लिए, आर को बढ़ाने के लिए इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये हम बात कर चुके हैं। अब देखो वाई डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एस, वाई जो है वो एस की वैल्यू कम करता है। तो देखो ये पिछले जैसा एस नहीं है बच्चों, पिछली बार इसके साथ ऐसे इस तरह से सीरीज में कनेक्ट था, तो ये तो ओपन सर्किट था ना, करंट यहां से फ्लो ही नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार देखो ये पैरेलल में कनेक्ट है इसके, तो करंट पैरेलल में है ना, तो यहां से करंट आई डैश जाएगा, बात कर चुके हैं आई डैश यहां निकल जाएगा क्योंकि ऊपर से नहीं आ रहा, तो इस बार ये सर्किट कंप्लीट हो गया है ना। और अगर सर्किट कंप्लीट हो गया है तो यहां करंट बनेगा, तो करंट बनेगा तो एस की वैल्यू से फर्क पड़ना चाहिए। देखो तो वोल्टेज कितना होगा, यहां हमने पढ़ा था अभी ई वन माइनस आई डैश एस, तो यहां से आप आई डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, चलो छोड़ो ऐसे रहने दो। अब बताओ एस को घटाने या बढ़ाने से क्या होगा, देखो एस को कम किया है ना, एस को कम किया तो ये वैल्यू कम हो गई, मान लो फिर से देखो न्यूमेरिकल समझते हैं, मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, आई डैश 1 एम्पियर है, और ये एस की वैल्यू इनिशियली 2 थी, सोचो तो पहले वी कितना आ रहा था 5 माइनस 2 इनके 3 वोल्ट, और यहां भी कितना है 3 वोल्ट, है ना, यहां से यहां तक तो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, 3 वोल्ट यहां और 3 वोल्ट यहां आ रहा है। अब क्या हुआ, आपने S की वैल्यू घटा दी, तो S की वैल्यू घटा दी, ये नहीं बदला, आई बदल गया होगा, देखते हैं क्या होगा, ध्यान सुनना आई की, अब क्या फर्क पड़ेगा आई डैश पर, तो S की वैल्यू आपने कम कर दी, तो देखो क्या हुआ, एप्सिलॉन ये E कितना होता है R प्लस S, रहेगा कि नहीं, यहाँ से आप कैलकुलेट करो, जानते हो यार I बराबर एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, अब ये स्मॉल R तो नहीं दे रखा है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो उसको हटा दो, इंटरनल सिर्फ S रहने दो। अब देखो क्या हुआ, आपने बच्चों S की वैल्यू कम करी, S की वैल्यू कम कर दी, तो S की वैल्यू कम करने से I डैश बढ़ गया, इनवर्स है ना, S की वैल्यू कम करने से I डैश बढ़ गया, क्लियर है ना, S की वैल्यू घटाई Y ने, तो S की वैल्यू घटाने से I डैश बढ़ गया, I डैश बढ़ गया S की वैल्यू घटाने से, तो क्या होगा, देखो V भी I डैश बढ़ा, तो ये I डैश इंटू S ये क्वांटिटी बढ़ गई है ना, I डैश इंटू S ये क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब देखो क्या हुआ, V कितना हुआ, पहले 5 था माइनस I डैश इंटू S, ये क्वांटिटी पहले 2 आ रही थी ना, 2 इंटू 1, अब ये S को कम करने से I डैश इंक्रीज हो गया, यानी कि ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होने से क्या हुआ, मान लो 2 थी पहले वैल्यू, देखो 2 इंटू 1 अब ये 3 हो गई, तो 5 माइनस 3 कितना आंसर है 2 वोल्ट, बोलो। तो S को कम करने से, S को कम करने से क्या हुआ, I डैश इंटू S ये क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, क्लियर है, और जब ये क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो ये जो वोल्टेज था ये कम हो गया, ये 2 वोल्ट रह गया, ठीक है, तो पहले यहां तक 3 वोल्ट था, ये 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट था, अब हमने क्या किया, एस को घटाया, एस को घटाया तो आई डैश इंटू एस बढ़ गया है ना, आई डैश बढ़ने की वजह से, आई डैश इंटू एस बढ़ा तो ये वी हमारा जो है अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां का ये 2 वोल्ट रह गया, तो इसको कहां खिसकाना पड़ेगा, देखो इधर है ना, अभी 3 वोल्ट है ना, तो इसकी लेंथ कम करनी पड़ेगी क्योंकि आई तो इसमें फिक्स आ रहा है, तो ये इसको इधर शिफ्ट कर देना, ठीक है, अगर S की वैल्यू घटाते हैं तो उसको इधर शिफ्ट कर देना पड़ेगा, S की वैल्यू बढ़ाओगे तो I डैश कम हो जाएगा, फिर वोल्टेज बढ़ जाएगा, इधर शिफ्ट कर देना पड़ेगा, समझ आ गया। तो ये एक पूरा हमारा जो टॉपिक था, लेक्चर था, चैप्टर था, ये खत्म हो गया है, अब मैग्नेटिक्स चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।